फ्रेंड्स, वेलकम टू द एएस गाइडेंस, द प्लेटफॉर्म वेयर यू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द ऑल एग्जाम एंड स्पेशली इट इज़ फॉर द स्टेनोग्राम। हम अपना अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं जो कि है हमारा आर, ठीक है, जो हमारे चैप्टर 6 का है और 2 फॉर्म्स हैं उसमें हमारे आर की, जिसमें से हम फर्स्ट फॉर्म अपनी कर चुके हैं और अब हम सेकंड फॉर्म शुरू करने वाले हैं। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था आर में अपवर्ड स्ट्रोक, जो कि आर बिगनिंग में आता है, और अब हम सीखेंगे जहां आर एंड में आता है तो हम उसे किस तरह से बनाएंगे, कर्व स्ट्रोक में बनाएंगे, ऊपर से लेके डाउनवर्ड स्ट्रोक में बनाएंगे। ओके, तो अब हम नया चीज़ सीखने वाले हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। आइए देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे एंड में ख़त्म होते हैं, जिनके लास्ट में आर आता है, और जब भी हमारे किसी वर्ड में आर आएगा तो आप कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप में बनाएंगे, कर्व शेप में, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे ये रेड कलर का मार्क किया हुआ है। ये हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ आर है। ओके, तो जैसे अब मैं पहले आपको बता दूँ, ये जो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ आर है इसके भी 3 पार्ट्स हैं जिसे अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये है कि कार, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फर्स्ट वर्ड है हमारा कार, तो कार में जो हमारा साउंड आ रहा है वो आ का आ रहा है, और जो आ का साउंड है हमारा वो है हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल, ठीक है, और फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो हम इसे अबव द लाइन बनाएंगे। ए का साउंड आ रहा है और साथ में आर हमारा लास्ट वर्ड है, तो हमने इसे डाउनवर्ड स्ट्रोक में बनाया है, कर्व शेप में, ठीक है। ऐसे ही हमारा फार है, ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस ही वॉवल है, आर लास्ट में है तो हमने इसे डाउनवर्ड स्लोप में बनाया है। पर पी ई आर, तो हमारा जो इसमें अर का साउंड आ रहा है ओ, वो हमारा है सेकंड प्लेस वॉवल, इसलिए हमने इसे ऑन द लाइन बनाया है। और जो आर है, क्योंकि हमारा वर्ड में आर लास्ट में आ रहा है, एंड वर्ड है, तो हम इसे आर पे नीचे डाउनवर्ड स्ट्रोक में कर्व शेप में बनाएंगे। ऐसे ही हमारा एरर है अपीयर, अपीयर हमारा है बिलो द लाइन, अपीयर में ई का साउंड आ रहा है तो ये हमारा थर्ड प्लेस वर्ड। ओके, ऐसे ही हमारा हो जाता है फेयर, फर। अब देखिए अश्योर, अश्योर में ए हमारा जो वॉवल है ए, वो हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल ही आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे देख देंगे, अश्योर कर देंगे, और नीचे हमने लास्ट में जो आर नीचे करा है, क्योंकि अश्योर में आर से हमारा साउंड पे ख़त्म हो रहा है, तो हम अश्योर इस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और अब हम क्लियर करते हैं अपना सेकंड पॉइंट, मतलब बी पॉइंट। बी पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो हमारा साउंड आ रहा है एंड में, ओ आर ई और ए आई आर का जो साउंड आएगा, इस पे आपको फोकस करना है डाउनवर्ड स्लोप में। ओके, जब हमारा लास्ट में एंड में आर आ रहा है, उन वर्ड्स में आपको ये फोकस करना है, जब भी ये वर्ड की आपको साउंड आएगा। तो जैसे डोर आ रहा है, इसमें ओर का स्पेलिंग का जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है, पॉर, पियर, शोर, शेयर, फ्लोर, फेयर, बियर। आप इन साउंड को एक बार, इन वर्ड्स को सॉरी बोल के देखिए, तो आपको समझ आएगा कि जो ये वर्ड्स हैं इनका ही साउंड आ रहा है। तो जब भी ऐसे कोई वर्ड्स आएंगे तो इसमें आपको अपना सेकंड प्लेस वॉवल ही लगाना है, हैवी वॉवल लगाना है इसमें आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है। एंड नाउ थर्ड पार्ट है हमारा, जब भी किसी कॉम्बिनेशन में हमारा आर के साथ वॉवल आएगा तो हम पहले उसे अपवर्ड स्ट्रोक में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ, कैरी, कै जो हमारा है वो उसी अबव द लाइन ही बनेगा, क्योंकि क ग आपने पढ़ा था, तो कै और री हमारा अपवर्ड स्ट्रोक में बनाया है इसमें हमने, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये वाई है, हमारा आर है जो हमारा कैरी, आर का जो साउंड है वो कै ए से मिल गया है, वॉवल से मिल गया है ना, कै ए ई ओ, ये हमारे वॉवल ही हैं क्योंकि, तो कैरी आपने ये देख सकते हैं कि कैरी इस तरह से बन जाएगा, मैरी, ठीक है। तो जब मैं के बाद ए आ रहा है, हमारा ए जो वॉवल है उसके साथ भी जब हमारा आर जुड़ रहा है तो हम उसे भी अपवर्ड स्ट्रोक में बनाएंगे। ऐसे ही हमारा हो जाता है फेरी, मेमरी, फैक्ट्री, इंजरी।
अब ये वर्ड्स आप देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अब ये कॉन्सेप्ट कौन सा है। ठीक है, आप एक बार इन वर्ड्स को देखिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपना जो सेकंड फॉर्म ऑफ आर है वो ख़त्म कर दिया है, और उसके भी थर्ड पार्ट हैं ए बी एंड सी, जो मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाए हैं तीनों अपने अलग अलग स्टेप पे कि कौन कैसे बनेगा, क्या वर्ड है, कैसे यूज़ होगा, कैसा साउंड आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होने के बाद हम बढ़ते हैं अपने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पे, और शॉर्ट फॉर्म्स के बाद कुछ वर्ड्स हैं जो मतलब लिखते टाइम हमें थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं लगना चाहिए, तो अब हम वो वर्ड सीखते हैं। एंड जो भी मैंने आज सिखाया या जो भी मेरे प्रीवियस क्लासेस में सिखाया, कुछ अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कहीं भी हल्का सा भी इशू है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह वो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं योर्स, एयर, हुज, लार्ज, थैंक और थैंक्ड। ये हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और एक फ्रेज भी है टू गो, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो कि कुछ बिफोर बनेंगे, कुछ अपवर्ड बनेगा, कुछ डाउनवर्ड बनेगा, किसी से आफ्टर या किसी से बिफोर। तो जो हमारा ए है, पॉइंट ए, उसमें हम डाउनवर्ड बिफोर एम बनाएंगे। ठीक है, जब भी हमारे लास्ट में एम आएगा, तो उससे पहले जो हम आर बनाएंगे वो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ आर होगा, जो कि होता है डाउनवर्ड स्लोप में। जैसे कि आप वर्ड्स में देख रहे हैं रूम, ठीक है, रूम एक तो हमारा थर्ड प्लेस वॉवल है, क्योंकि ऊ का साउंड आ गया रूम। ठीक है, एम लास्ट में है, तो हमने इसमें डाउनवर्ड हमारा जो आर है वो बनाना है, सेकंड फॉर्म ऑफ आर। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे रूम, रेमेडी है, फॉर्म है, फॉर्म है, अलार्म है, और जो ये नेक्स्ट वर्ड है ये है आपका रिमूव। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हर किसी में लास्ट में एम है, और उससे पहले है हमारा आर। तो जो जिस पे जब कभी भी ऐसा कोई वर्ड आए आपके पास, तो हमेशा आपको एम से पहले जो वर्ड बनाना है वो डाउनवर्ड आर बनाना है। ओके, तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब मैं आपके बी पॉइंट पे आती हूँ। बी पॉइंट में जो आपको बनाना है वो अपवर्ड स्ट्रोक बनाना है, जो कि हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर, जो कि हमने अपवर्ड सीखा था हमारे प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो जब हम बिफोर बनाएंगे, ये सिर्फ कुछ ही वर्ड से पहले बनाएंगे जो हम अपना अपवर्ड्स वो बनाएंगे आर। ठीक है, तो जो हमारा अपवर्ड आर बनेगा वो किन किन वर्ड्स के बिफोर बनेगा, पहले बनेगा। ठीक है, ये टी होगा, डी होगा, जे होगा, जे होगा, या थी होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप वर्ड्स में देख रहे हैं एरेटा, एरेटा में टी का साउंड आ रहा है, तो हमने इसमें आर अपवर्ड स्ट्रोक यूज़ किया है। एरिड, एरिड में आप देख रहे हैं डी का साउंड आ रहा है, तो हमने फिर से अपवर्ड आर का यूज़ किया है। अर्च, अर्ज और अर्थ, तो ये आप वर्ड्स देख ही रहे होंगे कौन से प्लेस पे हैं, कैसे कैसे हैं, आप इतना तो अब सीख ही गए होंगे, मुझे वापस हर क्लास में रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि जहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे तो अपवर्ड आर बनेगा हमारा। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और थर्ड सी जो हमारा पार्ट है, उसमें हमें अपवर्ड यूज़ करना है। ठीक है, आफ्टर अ स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। ठीक है, इसमें हमने जो सीखा था कि जो जब भी हमारा स्टार्टिंग में आर आएगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर यूज़ करेंगे, जो कि हमने जस्ट पिछली क्लास में सीखा है। तो जब हमारा आर हमारा वर्ड के स्टार्टिंग में आए और आर ही हमारा लास्ट में एंडिंग में आए, तो हम सीधा अपवर्ड स्ट्रोक में बनाएंगे, इसमें हम कहीं भी कर्व यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जितना हम आर का हमारा जो स्ट्रोक है, वर्ड है, जो हमारा लेटर है आर का, जितना हम एक ड्रॉ करते हैं, उतना ही ड्रॉ करने के बाद सेम आपको नेक्स्ट आर और यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपका वर्ड बनेगा रेयर, रेयर। ठीक है, तो ये आप वर्ड्स देख सकते हैं, इस तरीके से आपका कुछ वर्ड्स बनते ही जाएंगे।
अब कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इम्पॉर्टेंट नोट है, वो ये है कि जब भी वन एवो किसी भी वर्ड में आपका जब भी बीच में आर आएगा तो आपको वो यूज़ कैसे करना है, यूज़ करना मैं आपको, जैसे वर्ड्स में हम देखते हैं कि अब मार्च है, मार्च में एम आर और च, मार्च, मार्च में देखिए आप एम के बाद जो आर हक्का है, जो हमारा वर्ड आ रहा है, लेटर आ रहा है, वो हमने अपवर्ड स्टॉक में बनाया है, उसके बाद च बनाया है क्योंकि आर बीच में आ रहा है। पार्टी में भी आप देखिए पार र के बाद जो हमारा र का जो वर्ड आ रहा है वो हमने अपवर्ड स्टॉक में बनाया है। ऐसे ही पार्क, 40, अथॉरिटी, चार्ज, गैरेज, फोर्थ, मार्क, परेड और थ्रूली, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बीच में आर आ रहा है तो आपको अपवर्ड स्टॉक ही बनाना है। ठीक है, तो आप ये वर्ड्स देख लीजिए, अच्छे से ये प्रैक्टिस कीजिए एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स और अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इधर हमने अपना चैप्टर 6 ख़त्म कर दिया है, टू फॉर्म्स ऑफ आर, अपवर्ड वाला आर एंड डाउनवर्ड वाला आर। ठीक है, इसमें मैंने आपको दो क्लासेस में बिल्कुल अच्छे से थोड़ा थोड़ा ये समझाया, पूरा इतना बर्डन नहीं डाला है। तो आप वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब स्टेनो में चाहता है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए। और जो भी अभी मेरे चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।